आज बजट सत्र से पहले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 2024 को लेकर पीएम मोदी की ओर से इसमें भी मंत्र दिया गया। उनके मंत्र के बाद विपक्षी दलों में मच सकती है खलबली, क्योंकि 24 का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में पीएम की ओर से शंखनाद की जा रही कोशिशों को लेकर किस तरह के दांव चले जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे, इसका हम सबको भरोसा है। चुनाव में 400 दिन है तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख। इधर बीजेपी 24 को जीत लेने के लिए पूरा दम लगा रही है, रणनीति बना रही है। उधर विपक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एकजुट होने की मशक्कत में ही व्यस्त है। इधर घर घर जाने का मतदाताओं को खुद से जोड़ने का चक्कर है और उधर आपसी तकरार और अहम की टक्कर है। पीएम मोदी ने नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी कि वो उन वर्गों से भी संपर्क साधें जो बीजेपी को वोट नहीं देते। उन्होंने किसी वर्ग का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि इसमें हिंदू सिख ईसाई के अलावा मुस्लिम वर्ग भी शामिल है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी के मंत्र से ये साफ हो गया है कि 2024 में बीजेपी उन मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी जो उसकी पहुंच से अब तक दूर थी। पीएम मोदी का ये बयान उसी का संकेत देता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं, भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। एक तरफ बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नाम पर उस वर्ग को अपने साथ जोड़ने में जुटी है जो उसके खिलाफ माना जाता है, वहीं इस कदम से विरोधियों में खलबली है। उनको लोकसभा में, राज्यसभा में, काउंसिल में, विधानसभा में और सबसे बड़ी बात है कि सरकार में उनको स्थान दें। अगर वो सही मानों में पसपांदा और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए, उनके मन में, उनके दिल में कोई जगह है, हमदर्दी है, तो पहले ये करके वो दिखाएं। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं। इस विरोध के बीच अगर बीजेपी ने इस वर्ग के बीच सेंध लगाने में कामयाब रही तो 2024 में उसकी जीत का अंतर और भी बड़ा हो सकता है। जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है और वह है विकासवाद, विकास की कहानी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। सिर्फ बयानबाजी नहीं, आंकड़े भी दिखाते हैं कि बीजेपी के खाते में आने वाला मुस्लिम वोट बढ़ रहा है। 2009 में बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले थे तो 2014 में ये 8% पर पहुंचा और 2019 में भी 8% वोट मिले। 2024 में बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम वोट का आंकड़ा थोड़ा भी बढ़ा तो विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बीजेपी ऐसा कर चुकी है और इसकी मिसाल यूपी में रामपुर और आजमगढ़ की मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं 2017 के बाद 2022 में यूपी में मिली प्रचंड जीत ने बीजेपी के हौसलों को बुलंद कर दिया है। आपका ये उत्साह बता रहा है
कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। 2024 के महासंग्राम के साथ ही 2023 में कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले चुनाव में बीजेपी इसे सत्ता के सेमीफाइनल की तरह ले रही है। डेवलपमेंट मींस बीजेपी, लॉ एंड ऑर्डर मींस बीजेपी, ट्रांसपेरेंसी मींस बीजेपी, गवर्नेंस मींस बीजेपी, प्रो पीपल मींस बीजेपी, एंटी पीपल मींस कांग्रेस, करप्शन मींस कांग्रेस, कास्टिज्म मींस कांग्रेस, कमीशन मींस कांग्रेस, ये कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी के मंत्र पर चलकर बीजेपी 2024 में एक नई मिसाल बनाएगी? क्या है वो एक्स फैक्टर जो 2024 का फैसला तय कर सकते हैं? इनमें एक है राम मंदिर। तो फिर सवाल यह है कि क्या धार्मिक राष्ट्रवाद बीजेपी को जिताएगा? क्या विपक्ष एकजुट होकर लड़ पाएगा? क्या राज्यों में गठबंधन टिक पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी इन पर गौर करते हुए मिशन 2024 को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।